जैसे कि आप जानते हैं कि गूगल पे हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं और उस टूल का नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, लेकिन ये टूल असल में गूगल एड्स का एक हिस्सा है और हम गूगल एड्स के ऊपर अब अकाउंट बनाएंगे। और इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि मैं आपको वो तरीका बताऊँ कि आप किस तरह से वो अकाउंट बना सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो गूगल एड्स अकाउंट बनाने के लिए हमें वाहिद जीमेल का अकाउंट चाहिए। अगर आपका जीमेल का अकाउंट नहीं है तो आप जीमेल का अकाउंट बना लें और उसके बाद आप फॉलो करें कि आप कैसे गूगल एड्स अकाउंट बना सकते हैं, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जीमेल में लॉगिन करना है। आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर लें, उसके बाद ये वेबसाइट विजिट करें जो कि गूगल एड्स की वेबसाइट है। तो आप लिखेंगे ads.google.com। तो मैं टाइप करता हूँ ads.google.com और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो गूगल एड्स की वेबसाइट खुल जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम गूगल एड्स की वेबसाइट खोली है तो शायद आपको लॉगिन करना पड़े। अगर आपको ये लॉगिन करना पड़ेगा तो आप टॉप राइट में देखेंगे कि वहाँ साइन इन का बटन होगा। जब आप साइन इन कर लेंगे और अगर आप जीमेल में पहले से लॉग्ड इन हैं तो आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। इस स्क्रीन में एक ख़ास बात है, आपने वो उसका ख़ास ख्याल रखना है। वो ख्याल ये कि अगर यहाँ पर आपने ये स्टेप स्किप नहीं किया तो आपको गूगल एक कैंपेन मोड में ले जाएगा जिसमें आपको एक पूरी कैंपेन बनानी होगी और अल्टीमेटली गूगल आपसे कहेगा कि एक क्रेडिट कार्ड से आप साइन अप करें। तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें ये स्टेप स्किप करना है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है जिसमें लिखा हुआ है स्किप द गाइडेड स्टेप। तो ये गाइडेड स्टेप आपने स्किप करना है ताकि हम उस मसले से बच जाएं जिसमें हमें क्रेडिट कार्ड डालना पड़े। तो हम बगैर क्रेडिट कार्ड डाले इसके अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं प्रेस करता हूँ स्किप द गाइडेड स्टेप। जैसे ही मैं ये प्रेस करूँगा गूगल मुझे एक पेज पर ले जाएगा जहाँ पर वो मुझसे करेंसी और मेरा कंट्री पूछेगा। तो इस पेज पे आपको गूगल को वेरीफाई करना है कि आप आया उसी ईमेल से साइन अप करना चाहते हैं गूगल एड्स अकाउंट में जो आपने जीमेल पे रखा है। उसके बाद अपना कंट्री बताएंगे जो कि आप मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान रखना चाहेंगे, और फिर करेंसी बताएंगे। तो याद रखिएगा, करेंसी और कंट्री ये दोनों चीज़ें बाद में चेंज नहीं हो सकती। सो अगर आप गूगल एड्स को बाद में यूज़ करना चाहेंगे तो आपका वो कंट्री और वो करेंसी आपके साथ चलेगी, और जिस करेंसी में आपका अकाउंट होगा अगर आप वो यूज़ करते हैं बाद में तो आपको उसी अकाउंट उसी करेंसी में आपको पे करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी रुपीज़ एज अ करेंसी लेके आगे चलूँगा। इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। और जैसे ही मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो गूगल मेरा अकाउंट बना देगा जो कि एडवर्ड्स अकाउंट कहलाएगा। तो गूगल एडवर्ड्स और गूगल एड्स में डिफरेंस ये है कि गूगल एड्स का पहले नाम गूगल एडवर्ड्स था। सो अक्सर लोग इसको एडवर्ड्स से ही जानते हैं, लेकिन गूगल एड्स और गूगल एडवर्ड्स दोनों एक ही बात है। अगर आप adwords.google.com भी ओपन करेंगे तो आप बिल आखिर ads.google.com पर ही रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप इसको एडवर्ड्स भी कहें, लेकिन अब उसका वो पुराना नाम है, आपका अब इसका नया नाम गूगल एड्स है। इन द मीन टाइम मेरा अकाउंट बन चुका है। जब आपको ये स्क्रीन नज़र आ जाए इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट बन चुका है और अब आप इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं।